टिकटॉक टिकटॉक आईपीएल शुरू होने में अब घड़ियां ज्यादा बची नहीं है, उस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष नेहरा ऑन क्रिकबज लाइव इन एसोसिएशन विद आवर फैंटेसी पार्टनर्स माय 11 सर्कल। आशीष बहुत बहुत स्वागत है आपका क्रिकबज लाइव में। आज बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की, एक ऐसी टीम जिसका पास्ट बड़ा अच्छा रहा है लेकिन पिछले कुछ सालों में डामाडोल सा रहा है। उनका हिसाब एक नजर डाल लेते हैं, कहां पर हैं वो अंक तालिका में, और उससे अंदाजा हो जाएगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। सिर्फ 4 अंक, 2 गेम जीते 7 में से, जिस तरीके से वो खेल रहे थे वहां बड़े सरदर्द लग रहे थे कप्तान कोच मैनेजमेंट सबके लिए। आशीष किस तरीके से देखते हैं आप उनका सफर, पीछे जो गया और क्या गलत कर रहे थे वो? ऐसा देखिए, अभी आपने खुद ही कहा कि पिछले 4-5 साल, ऐसा नहीं कि 1 या 2 साल से कि उनका सफर उतना अच्छा रहा नहीं है। मैं कहूंगा कि जब से गौतम गंभीर वहां पर जब कप्तान थे 2011 से लेके 2015-16 तक वो टीम एक अलग तरीके से चलती थी, पर पिछले 3-4 साल से जिस तरीके से वो टीम चली है वहां पर काफी दिक्कतें रही हैं। कि अगर आप बात कर देखिए, अभी हमने पिछले साल देखा कि किस तरीके से टूर्नामेंट के बीच में दिनेश कार्तिक ने कप्तानी छोड़ी जी, फिर उनके मॉर्गन को कप्तान बनाया गया, क्योंकि आपके पास देखिए खिलाड़ी और कौन कौन है, एंड्रे रसल, सुनील नारायण, आपके यहाँ पैट कमिंस हैं जिनको आपने इतनी राशि देके खरीदा, आपके पास साकिब अल हसन है, तो कभी कभार तो आप अपने कप्तान बना तो दिया है ऑयन मॉर्गन को, पर कभी कभार कोच ब्रेंडन मैकलम ही सोचते होंगे कि अरे ये जो मुकाबला है ना, इसमें ये जो बाकी 4 विदेशी खिलाड़ी ना, इन ये शायद ऑयन मॉर्गन साहब से पहले 11 में जगह बना सकते थे। ऐसा नहीं कि अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, तगड़े खिलाड़ी हैं, पर कुछ कई जगहों पर परिस्थितियां कुछ अलग तरीके की होती हैं, पर अगर आपने उनको नहीं खिलाना तो क्या आपके पास बल्लेबाजी में उतने विकल्प हैं? मुझे नहीं लगता कि आपके पास विकल्प है, कि वहां वो चूक कर गए हैं। क्योंकि अगर देखिए तेज गेंदबाजी की आप बात करें, चाहे फिरकी हो चाहे तेज, वहां पर उनका जो है ना टीम पूरी है। बल्लेबाजी में मैं कहूंगा कि अगर 8 की 8 आप टीम देखेंगे, बतौर गेंदबाज में बात करूं तो इनके जो टॉप 3 है ना, शायद ऐसा नहीं कि नितेश राणा, शुभमन गिल या राहुल त्रिपाठी बड़े स्ट्रोक लगा नहीं सकते, पर बाकी टीम्स जो है ना उनके पास एक एक्स फैक्टर है ऊपर के जो 3 खिलाड़ी, यहाँ पर केकेआर के पास एक वो मिसिंग है। सुनील नारायण को हमने देखा कि हर बार उनको ओपन करने को मिलती नहीं है, तो ये जो 3 खिलाड़ी हैं ये क्या करते हैं आगे चलते हुए, इस पर काफी निर्भर करेगा केकेआर की जो नई है कि वो पार लगेगी कि नहीं। कुछ ऐसा ही हिंट जरूर करा था उनके हेड कोच ब्रेंडन मैकलम ने भी, सीजन जब पोस्टपोन हुआ था उन्होंने कहा था कि भाई हम कुछ सख्त बातें करेंगे अपने टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों से, क्योंकि हमने मौके बहुत दिए हैं और उन्होंने हमको परिणाम नहीं निकाल कर दिए। परिणाम निकाल कर देने वाले गेंदबाज थे पैट कमिंस, वो आ नहीं रहे हैं, उनका रिप्लेसमेंट बनकर आ रहे हैं टिम साउदी, जिनका ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड सा रहा है टूर्नामेंट आईपीएल में जिस तरीके से वो खेलते आए हैं। आशीष यहाँ पर उनके अलावा और कोई बदलाव नहीं, लेकिन आप कहते हैं एक अच्छा वैल्यू एडिशन टिम साउदी इस टीम में? जी हाँ, वैल्यू एडिशन है, पर मैं कहूंगा देखिए टिम साउदी से पहले आप अगर इस निगाहें डालें तो एक लॉकी फर्गुसन वहां पर है। पैट कमिंस के चलते आप लॉकी फर्गुसन को नहीं खिला पाए क्योंकि एंड्रे रसल भी थे जैसे मैंने बात करी, तो फॉरेन प्लेयर्स के आपके पास विकल्प हैं, पर लॉकी फर्गुसन आप चले गए हैं जब पैट कमिंस, वो मैं टिम साउदी से उन्हें कहीं आगे रखूंगा क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से गेंदबाजी करी है पिछले कुछ साल में वो काबिले तारीफ, और एक्स फैक्टर है उनके पास कि आप डेथ की बात कर लीजिए, आप शुरुआत की बात कर लीजिए, तो उम्मीद करते हैं कि उनको ऑयन मॉर्गन बेहतर यूज कर पाएंगे। एक और नाम है वहां पर वरुण चक्रवर्ती, फाइनली टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में सिलेक्शन हुआ उनका, डेब्यू कर चुके थे श्रीलंका में ही, जिस तरीके से करा बड़ा प्रभावित भी किया उन्होंने सब कुछ, उन्होंने उनको देखा, आपकी निगाहें रहेंगी उन पर क्योंकि वो दर्शाना चाहेंगे कि भाई मैं सिर्फ स्क्वाड में आने के लायक नहीं, मैं प्लेइंग 11 में आने के लायक भी। देखिए पिछले 1-1.5 साल से वरुण चक्रवर्ती तो हॉट टॉपिक है, सबकी निगाहें रहती हैं उन पर कि हमने देखा टीम में आए फिर फिटनेस के चलते यो के चलते टीम में नहीं रहे, जब खेले थोड़ा बहुत केकेआर के लिए जब खेले और भारत के लिए जो थोड़ा बहुत खेले, कि सब कह रहे हैं कि उनके पास एक एक्स फैक्टर है कि मिस्ट्री बॉलर है, तो उम्मीद करता हूं कि जो केकेआर की मैनेजमेंट है या भी कप्तान जो मॉर्गन है कि वो उनके साथ जरूर गुफ्तगू करें, क्योंकि जब आप बतौर खिलाड़ी अब आप वो वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हो गए बड़े कम समय में, तो कुछ ना कुछ दबाव जरूर महसूस कर रहे होंगे, तो क्योंकि नौजवान खिलाड़ी है तो ये भी हो सकता है अपने शेल में चले जाएं, दबाव ले लें, तो वो एक रोल रहेगा मैं कहूंगा कोच और कैप्टन का कि इनको किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं और किस प्रकार इनको आगे लेके चलते हैं अपनी टीम में, था क्योंकि ये इनके लिए तुरुप का हिक्का साबित हो सकते हैं, कमाल की रही है इनकी भी गेंदबाजी पिछले कुछ समय में। बिल्कुल, और बड़ी तकलीफें बढ़ने वाली हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अगर वो शेड्यूल देखें आशीष, क्योंकि उनके पहले 4 गेम्स आप देखिए आरसीबी, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, वो टॉप 4 से खेल रहे हैं, उनको आते ही ना सिर्फ फॉर्म में आना है, सब कुछ एकदम वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह लैंड करना है यूएई में और खेलते चले जाना है, बड़ा महत्वपूर्ण उनका भी फॉर्म जिस तरीके से खेलेंगे। देखिए इसको मतलब 2 तरीके हैं देखने के, एक आप इसको ये भी कह सकते हैं कि कंगाली में आटा गीला रहे शुरुआत में 4 ये टीम मिल गई, और दूसरा ये कि देखिए कि यहां से अगर आपने शुरुआत अच्छी कर दी इन टीम्स के खिलाफ आईपीएल में, हमने ये पहले भी देखा है, तो आपकी काया एकदम पलट भी सकती है कि आपने शुरू के 2 मुकाबले जीत लिए अच्छा खेल के, तो आप में वो आत्मविश्वास आ जाता है क्योंकि ये एक ऐसी टीम है इस समय कि इन्हें आत्मविश्वास की जरूरत है, चाहे आप टॉप ऑर्डर की बात कर लीजिए
चाहे आप बात कर लीजिए वरुण चक्रवर्ती की, जो अभी हमने चर्चा करी गेंदबाजी में नहीं, वरुण चक्रवर्ती को ओवरऑल की, अब जो दबाव है ना वर्ल्ड कप का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो ये बहुत आवश्यक रहेगा कि इनकी शुरुआत अच्छी रहे। बिल्कुल, कंगाली में आटा गीला होगा या वो यूए की धूप पे सुखा लेंगे, बड़ा दिलचस्प होगा देखना इस बार कौन लगाएगा केकेआर की नैया पार, क्या इस बार केकेआर, दिलचस्प होगा देखना, हम देखेंगे जरूर, आप जुड़िए हमारे साथ जरूर, क्रिकबज लाइव आएगा आपके पास पूरे आईपीएल। फिलहाल हमारे जाने का वक्त हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप देख रहे थे क्रिकबज लाइव इन एसोसिएशन विद फैंटेसी पार्टनर्स माय 11 सर्कल।